कीप ग्रोइंग एनी लर्निंग डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। कीप ग्रोइंग का उद्देश्य है आपके साथ आपके बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करना, ताकि हंसते खेलते बच्चे पढ़ें भी और बढ़ें भी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को चार अक्षर के शब्द पढ़ना किस तरीके से आसानी से सिखाया जा सकता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर ये बात है हमारे बच्चों की पढ़ाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ड्रॉप इट। अ च अच क न कन अच कन अच कन क र कर व ट वट कर वट कर वट ह ल हल च ल चल हल चल हल चल। बच्चों को चार अक्षर के शब्द पढ़ाने का यही सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि दो दो शब्दों को जोड़कर बच्चे चार अक्षर के शब्द को पढ़ना सीखें, क्योंकि बच्चे दो अक्षर के शब्द बहुत आसानी से पढ़ना सीख जाते हैं। तो ऐसे में चार अक्षर के शब्द जब वो पढ़ने लगते हैं तो दो दो अक्षर के शब्द मिलाकर बोलने में उन्हें कठिनाई नहीं होती। लेकिन अगर हम उन्हें चार अक्षर के शब्द एक साथ बुलवाएंगे, जैसे क र व ट करवट, ऐसे में बच्चे चार अक्षर के शब्द बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही रहता है कि बच्चों को दो दो शब्दों के समूह बनाकर चार अक्षर के शब्द करवाए जाएं। तो चलिए आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ और उदाहरण। ब र बर त न तन बर तन बर्तन श र शर ब त बत शर बत शरबत अ ज अज ग र गर अज गर अजगर थ र थर म स मस थर मस थर मस क स कस र त रत कस रत कस रत उ प उप व न वन उप वन उप वन न ट नट ख ट खट नट खट नट खट ज न जन म त मत जन मत जन मत त र तर क श कश तर कश तर कश। तो चलिए एक बार फिर से अभ्यास करते हैं इन सभी शब्दों का। अ च क न अचकन क र व ट करवट ह ल च ल हल चल ब र त न ब र त न बर्तन श र ब त शरबत अ ज ग र अजगर थ र म स थर्मस क स र त कसरत उ प व न उपवन न ट ख ट नटखट ज न म त जनमत त र क श तरकश। दो अक्षर के शब्दों को मिलाकर पढ़ने से आपने देखा कि चार अक्षर के शब्दों को पढ़ना कितना आसान हो जाता है। इसी तरीके से बच्चों को पढ़ना सिखाइए, वो बहुत आसानी से चार अक्षर के शब्द पढ़ना सीख जाएंगे। आज का यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।